भूलकर भी नहीं करना चाहिए इन वस्तुओं का दान, वरना झेलना पड़ सकता है भारी नुकसान। हिंदू धर्म में दान को बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वही यह भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति बिना किसी लोभ और आकांक्षा के किसी वस्तु का दान करता है तो उसे ईश्वर से शुभ फल और आशीर्वाद के साथ साथ अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि भी प्राप्त होती है। वही ज्योतिषियों माने तो वेदों में भी लिखा होता है कि सैकड़ों हाथों से कमाना चाहिए और हजारों हाथों वाला होकर दान करना चाहिए। मगर शास्त्रों में यह भी लिखा हुआ है कि व्यक्ति के जीवन में किस तरह का दान जीवन के लिए शुभ और अशुभ हो सकता है, क्योंकि ऐसे कई सारी वस्तुएं होती हैं जिनके दान से व्यक्ति को अपने जीवन में अशुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। तो आज हम आपको इन्हीं के बारे में बताने जा रहे हैं कि हमें अपने जीवन में किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। आपको बता दें कि ज्योतिष के मुताबिक झाड़ू का दान करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इसको दान करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और व्यक्ति के घर परिवार में दरिद्रता का वास बना रहता है। वही स्टील से बनी किसी भी वस्तु का दान करने से व्यक्ति को हमेशा ही बचना चाहिए। वही आपको यह भी बता दें कि किसी भी पंडित या फिर संपन्न व्यक्ति को पहने हुए व पुराने वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए, यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। वही ताज़ा खाना दान करना शुभ और अच्छा माना जाता है, मगर बासी खाना दान करना अशुभ होता है, इसलिए कभी भी किसी को बासी खाना दान में ना दें तो बेहतर होगा।